अभी सुबह कहीं बाहर जा रहा था, एक बच्चा मैंने देखा स्कूल ड्रेस में। अच्छा मैंने स्कूल जा रहे हो? कहता है आप स्कूल ड्रेस पहन के तेल लेने जाते थे। बच्चे मतलब इतने अफलातून हो गए पाजी। वो जमाना और था आज से 20-30 साल पहले जब लोगों घर में बच्चे पैदा हुए करते थे। आजकल लोगों घरों में बाप पैदा हो रहे पाजी। पाजी एक कहावत बनी हुई है, कहते कोई भी बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। पर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आजकल के बच्चे जो है मोबाइल के बारे में तो माँ के पेट से सीख के आते हैं। 10 साल हो गए मुझे मोबाइल यूज करते हुए, आज तक मुझे नहीं पता चला कैलकुलेटर कहाँ होता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने शातिर हैं, आप कैलकुलेटर दे दो कुछ ना कुछ करके उसमें से भी फोन लगा ही लेंगे। इतने शातिर हो गए हैं। जमाना कितना बदल गया बाजी। आप देखिए पहले इंडोर गेम्स होती नहीं थी ना, हम लोग मिट्टी में खेलते थे और इन्फेक्शन भी नहीं होती थी हमें। आजकल के बच्चे ना जो माइंड बारिश बारिश हो जाएगा, हम लोग मिट्टी में खेल खेल के सारा दिन खेलते रहना मिट्टी में। माँ आती थी मोहल्ले के 10 बच्चे नहला के उसमें से अपना एक पहचान के लेके जाती थी। और हमें इन्फेक्शन भी नहीं होती थी, उल्टा जब कभी कभी हम लोग नहा लेते तब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी साफ सुथरे रहने से। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है भाजी, बच्चा चाहे हिंदुस्तानी का हो, बच्चा चाहे अंग्रेज का हो, हाँ। आप उसकी मर्जी की चीज नहीं लेके दोगे लेटेगा जमीन पे ही वो। अंग्रेज के बच्चे जो होते ना वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं थोड़े। जिद भी इंग्लिश में करते हैं हमारे बच्चे। ये नहीं बोलते अंग्रेज के बच्चे, मामा आई वांट दिस, पापा आई वांट दिस। माँ भी इंग्लिश में डांटती, डोंट बीट हिम, जस्ट सिट देयर, पापा विल बीट यू, नॉटी बॉय। माँ बच्चा लड़ रहे हैं ना तो लगते नहीं लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं प्ले की। क्यूट से हाँ, इसी चक्कर में इंग्लिश सीख जाते हैं उनके बच्चे। देखो आप पैदा होते इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे बीए करने के बाद भी है जी। आप एक चीज और देखी होगी, बाहर विदेश में आप अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, इंडिया में इसका उल्टा है। जब तक बच्चा अपने बाप से 2-4 बार मार नहीं खा लेता उसको यकीन नहीं होता ये बाप मेरा है। अंग्रेजों का आप देख लो, अंग्रेजों का सारा कल्चर ही बेसिकली उल्टा है। आप इनको देख लो, धूप सेक रहे होंगे ना गोवा में आके, तब भी उल्टे लेट के। अच्छा इनकी लड़कियां 2 छोटे-छोटे कपड़े पहन के ना हाथ में किताब पढ़ रही होती। मेरे को एक चीज की समझ नहीं आती कि पूरे कपड़े पहन के क्या चैप्टर याद नहीं होता इनको। और पाजी कई बार क्या होता है, हम लोग बाहर कभी जाते हैं ना शोज के लिए, बच्चों की माएं आती हैं छोटे छोटे बच्चों की, मिलना खुद होता है, बहाना बच्चे के ऊपर लगाती हैं। मेरा बेबी आपको बड़ा फैन है। छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसको पता पता ही नहीं, सुरती नहीं, कुछ पता नहीं, वो बेइज्जती कर दी मेरे पे जाना अंकल को, बच्चा यूं देख रहा है। बेटी अंकल, बेटे बाबा जी का ठुल्लू, बच्चा यूं देख रहा है। एक्चुअली ना अभी नींद में है ना, तो इसलिए पे चांद रानी तो सारा दिन यही बोलता रहता है, अंकल जो मधुबाला में आते हैं, मधुबाला में। मधुबाला में कौन आता है? किसमें आते हैं आप? हाँ, कॉमेडी नाइट। एक तो इतनी प्रोग्राम आ गए ना, पता नहीं चलता क्या क्या। एनीवेज फोटो खिंचवानी थी एक बच्चे ने, कब से जिद कर रहा था। मैं कहा हाँ जी हाँ जी आइए, बच्चे को मोबाइल दे दी, बेटा फोटो खींच आ जा। उल्टा। और कई फैन तो अजीब अजीब होते हैं भाजी, कई लोग जिद भी करते हैं सारी, थोड़ा कंधे में हाथ रख लीजिए। हम लोग कंधे पे हाथ रखते हैं, अपने हाथ जेब में डाल के इधर मुंह कर लेते हैं। ऐसे हम उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा अजीब अजीब होता है कई बार। शर्मा जी, शर्मा जी, क्या परेशान कर दिया मुझे, जब देखो बच्चा मांगती रहती है। दादी का दिमाग खराब हो गया, और जो फैमिली दहेज में स्कूटर नहीं दे पाई, बच्चा कहां से देगी? Shut up! एक तो मैं आपके पास दादी की शिकायत करने आई, ऊपर से आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। मैं नहीं रह सकती समय, मैं जा रही हूँ मायके। रुको, बच्चा मांगती रहती है। मायके का नाम लिया, लाइन पे आ गए। लाइन पे नहीं आया, मायका इधर है, चल। आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? अभी 2 मिनट पहले जब मैं तेरे को बोला माइका इधर है, मैं सीरियस था ना। उधर दादी मुझे दुखी किए जा रहे, आप परेशान किए जा रहे पाजी। बाय गॉड कभी कभी मन करता है कि कुछ खा के अपनी जान ही दे दूं। लो मरना भी तो ब्रेकफास्ट करके है। अरे खाली पेट जा, सफर लंबा है, जी मचलाएगा नहीं। और उधर जाएगी ना, बड़ा कुछ मिलेगा खाने को, भगवान का घर तेरे बाप का घर नहीं, जो भूखा मारेगा। पापा के बारे में मत बोलो, जा रही हूं मैं। ए क्या है? ध्यान से जाना, देखना कि नीचे वाला होट ऊपर वाले होट के नीचे ना आ जाए। ये है पति,
मतलब ये एक मौका नहीं छोड़ता पाजी अपनी बीवी की इंसल्ट करने का। कभी तो प्यार करके देखो, बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी तो ठीक है, डिमांड भी तो सही सी कह रहा। रात को मेरे को बोलती मेरे को स्वीटी बोला करो। बीवी का नाम भी कभी स्वीटी होता है? स्वीटी होता है गर्लफ्रेंड का नाम। बीवी कमला बिमला टाइप भी ठीक है, और तेरा तो फिर भी मंजू है। अभी क्या बोला गया तेरे को दादी ने? बच्चे का भूत सवार हो गया दादी पे, जब देखो मेरे कमरे में कच्चे आम लेके आ जाती है, कहती है बहू कुछ कच्चा खाने का मन कर रहा है, ये ले आम खा ले। सुबह से बोल बोल के 3 किलो कच्चे आम खा चुकी हूँ मैं तुम्हारी दादी की वजह से। भगवान का शुक्र किया, अगर पक्के बेर जैसा तेरा मुंह तेरे को कच्चे आम खाने को मिल रहे तेरे को और क्या चाहिए। लेकिन तुम्हारी दादी को कौन समझाएगा कि कच्चे आम खाने से कुछ नहीं होता है? अरे क्यों नहीं होता है कच्चे आम खाने से? आधा किलो तेल भी मसाला पीकर कपाल बाती कर अचार बन जाएगा। तुम लोग यहाँ खड़े हो तो क्या हुआ? नहीं मतलब वहां भी तो खड़े रह सकते हो ना। अच्छा मतलब की बात सुनो। क्या है? मुझे परदादी कब बना रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तो परदादी बनने की खुशी में मंत्र भी याद कर लिया है। क्या? मुझे बनना है परदादी, बच्चा हो या बच्ची। ये क्या दादी कविता नहीं बनी तो ये कौन सा बाप बन गया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, मुर्गी का अंडा चाहिए तेरे को, 6 रुपए देकर ले आए। 6 रुपए देके मिलता तो भी तुम्हारे लिए मुश्किल होता, भुक्के नंगे कहीं के। मैं कुछ नहीं जानती, मैं परदादी बनना चाहती हे भगवान, मरने से पहले मुझे परदादी बना दे। खबरदार खबरदार, आप परदादी बनी तो है सिद्धू जी। हाँ? ये पर दादी बनेगी तो मैं दादी बन जाऊंगी। अब देखो शादी लड़कियों की होती है, दादी की नहीं होती, दादी को तो सिर्फ कब्ज होती है। सुनिए मम्मी जी, अगर आपको बच्चा चाहिए ना हाँ? तो मैं दे दूंगी। हाँ? तेरा दिमाग खराब है, शादी तेरी हुई नहीं, बच्चा के ब्लूटूथ से डाउनलोड करेगी तू? पागल हुई है? ब्लूटूथ से भी डाउनलोड करती अगर फूफा नाम का कोई मोबाइल होता। और ये मम्मी जी का क्या है, इनको तो अपने ऊपर सुसू कराने के लिए बच्चा चाहिए। तेरे दिमाग खराब है, अच्छी बड़ी दादी को पब्लिक टॉयलेट बना रही तू? कान खोल के सुन ले बिट्टू, पोता हो या पोती, जिस किसी ने भी मुझ पर सुसू किया ना, 1 रुपए तो मुझे लेने ही लेने। हाँ, रिश्तेदारी एक तरफ, धंधा एक तरफ, है कि नहीं? अब तू मुझे बता, तू मुझे दादी बनाता है या? दादी इस वक्त मैं बड़े गुस्से में हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है, जब मुझे गुस्सा आता है मेरे को मार पड़ती पड़ती है। दबा जा तू अंदर। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, चल बहू चल, उदास मत हो, अब तो सिर्फ बाबा चाटेश्वरी तेरा भला कर सकते हैं। चल चल। नहीं नहीं नहीं। अरे आम खाई गुटली कौन खाएगा तेरा? नहीं, 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 चल 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 चल। ये तुझे पापा कह रहे, तूने इतनी मोटी बात मुझसे छुपाई? ये झूठ बोल रहा है, ये छुपाने वाली चीज है? ये तो इतना बड़ा, इसके पीछे खड़े होकर 4 आदमी कपड़े बदल सकते हैं। वाह 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 पापा वाह, एक शो हिट क्या हो गया, अपने बच्चे को ही भूल गए आप, चीटर। पापा मैं हूँ, मैं आपका बच्चा, मैं इत्तू सन ऑफ बिट्टू, ग्रैंडसन ऑफ शिट्टू। मुझे लगता तेरा ही बच्चा है ये। पापा पापा आप घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े पे बैठना है। घोड़ा बनो, पिछले घोड़े बनो ना पापा, घोड़ा घोड़ा बनो। अबे तेरे को शर्म नहीं आती हाथियों के घोड़े बैठता है? छी गंदे पापा, दादी बुआ मुझे अपनी गोद में उठाओ ना। फिटे मुफ तेरे, अभी तो मेरी गोद भरी नहीं, तू मेरी गोद तोड़ने के लिए पहले आ गया। ए, चल बहुत हो गया, चल निकल इधर से, कोई तेरा पापा पोपा नहीं है यहाँ पे, चल। अभी मेरे पापा हो, देखो यहाँ मेरे कोई निशान नहीं है, आपके भी कोई निशान नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ही मेरे पापा हो? ये क्या सुन रही हूँ मैं, आपका बाहर चक्कर चल रहा है, आपने बाहर रिलेशन बनाया, आप इसके पापा ही आपका बेटा है। नहीं है मेरा पापा यार, आपको पापा
क्यों कह रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ तो उससे। ओए, तेरे पास क्या सबूत है कि यही तेरा पापा है? आपके पास क्या सबूत है कि आप 22 इयर्स की हो? बिट्टू, मुझे तो ये तेरी प्रोडक्शन लगती है। एक मिनट, मैं साबित कर देता हूँ। एक बात बताइए, एक साल पहले 2 दिसंबर 2012 को आप कहाँ थे? हाँ बता। अबे मुझे क्या पता, एक साल पहले का चल दिख रही है। वही तो, एक साल पहले का याद नहीं तो 10 साल पहले का आपको कैसे याद होगा कहाँ कहाँ होके आए थे? लो जी, साबित हो गया कि ये इसी का बच्चा। ए बुआ, तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरी अपनी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी है और तू ये मॉल खड़ा करने का इल्जाम मेरे पे लगा रही है। ये मॉल नहीं, गोलमाल है आपका। एक मिनट, ओ, 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 ओ मुझे गोलमाल बोलने वाली, जरा अपने होठों पे ध्यान दे, देख तेरा नीचे का होठ तेरे ऊपर के होठ के नीचे ना आ जाए। ये तुम्हारा बेटा है, इसने तुम्हारी जुबान बोली, इसने भी मेरे होठों के बारे में कुछ कहा। सारी दुनिया तेरे होठों के बारे में कहती है, इसका मतलब सबका बाप मैं हूँ। क्या हुआ? तू इतना शोर मचा रहे, व्हाट प्रॉब्लम इट इज? अपने पौधे के कारनामों को देखिए। क्या किया? बाहर चक्कर चला रहा है, ये है सबूत, ये इसे पापा कह रहा है। तूने मुझे खुश कर दिया। हाय रब्बा, ये पोता है कि खोता है? खैर छोड़ो, ईदे धोने काम आएगा। दादी आप खुश है, आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम तो है, अब मैं से ये नहीं कह पाऊंगी जब तू इत्तू सा था, क्योंकि ये तो कित्तू सा रहा है। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? अरे मेरा सूट आ गया। बेटा तुम आए हो लेट, Still, we will celebrate. 10 कर, पूरा पसीने निकाल गया रे। अरे हाय हाय, बधाई कौन निकाल गया रे? बधाई निकाल। किस बात की बधाई भाई, नाच तुम लोग रहे, तुम तो बधाई हमें, हम क्यों थे? 10 कर, किस बात की बधाई पूछ रहे हैं? ये देख, चाचा जैसा लड़का हुआ तेरे को, बधाई निकाल। बिट्टू बिट्टू, खुशी की बात है, दे दे इसे, दे दे, ये भी क्या याद रखेंगे, निकल दे। हाँ हाँ, दे दे 2-3 रुपए, क्या फर्क पड़ता है। दे दे दे। बस कर, 2-3 रुपए दे दे, समझे क्या? हम लोग 1100 रुपए से कम नहीं लेते हैं। बच्चा पैदा हुआ, मच्छर नहीं पैदा हुआ। चल एक काम कर, ना तेरा ना मेरा, मोटा मोटा लगा लेते। ए सुनो, मोटा मोटा तो पहले ही है, थोड़ा पतला पतला लगा लो ना। एक काम कर, चल उर्मिला, कैलकुलेटर निकाल। एक मिनट, 1.25 महीने के बच्चे का हम लोग लेते 1100, वो हिसाब से ये 12 साल का, कैलकुलेट कर। ए शकल से तो 15 साल का लग रहा है वो। एक काम कर, चल ना तेरा ना मेरा, 40 का लगा लेते। ठीक है, ठीक है ना? तो वो हिसाब से 1.25 लाख हुआ, 1.25 लाख, चल 1.25 लाख निकाल। 1.25 लाख, तुम 2500 दो, तुम ले जाओ इसको। 1.25 लाख किस बात का? अरे हाय हाय, लड़का हुआ इसलिए ले रहे। लड़की तो हम लोग देखे जाते, तब पता चलता हम लोग कितने अच्छे आदमी है, औरत है, जो भी है। एक सेकंड, लड़की होते तो पैसे देके जाते, मतलब मैं समझा नहीं। एक सवाल हम सबसे पूछते हैं, ये बताओ कि हिंदुस्तान में आज की डेट में कितने लोग लड़की पैदा कर रहे हैं, ये बताओ मेरे को। जब से नई टेक्नोलॉजी आई है लोगों के फायदे के लिए, और उसका इस्तेमाल करके लोग लड़की को पैदा होने से पहले मार देते हैं।
सही कह रही ना मैं? लोग बोलते हैं कि बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए। अरे बेटा किधर से पैदा होगा, बेटा को तो माँ पैदा करती है, और माँ को तो तुम लोग कोख में ही मार देते हो। माँ मर जाएगी तो तुमको क्या मिलेगा? बाबा जी को ठुल्लू बोलो। अरे बेटी पालने का पैसा नहीं तो मैं देगी बेटी पालने का पैसा। अच्छा छप्पन साल पहले हमारे घर में भी लड़की हुई थी बिट्टू, उस वक्त हम लेना भूल गए थे। 1100 के हिसाब से हो गए 1.5 लाख, इनका 1.25 लाख, मतलब निकालो 25,000 रुपए। 25,000 तेरे को देंगे और 5,000 वो जो एक्टर बच्चा बना उसको देंगे। हम लोग को क्या मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू? एक मिनट, एक्टर बच्चा बना क्या मतलब? राम प्रसाद में कुछ गलत बोली कर रहे हैं। ये श्यामलाल तू पूरा तो भांडा फोड़ दिया रे, भाग ले यहाँ से। इसका मतलब तुम दोनों आदमी हो? अरे हम दोनों नहीं, हम तीनों आदमी हैं। हजूरे वाला क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद शाहिद एंड सोनाक्षी। पाजी शो की तरक्की, इतनी तरक्की कैसे होगी इतनी जल्दी? शाहिद कपूर 2 बार आया है, मैं 3री बार बैठी हूँ उस काउच पे, और अब तो हम होस्ट भी कर रहे हैं। ओए यार कमाल कर दिया। अच्छा शो होस्ट ये करे तो मैं पीछे बैठ के क्या ऑमलेट बनाने वाला हूँ भाई साहब? ये व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय बैक? वैसे हमें भूख लग रही है, तुम कुछ भी बना सकते हो। नहीं ये क्या मतलब, आप कैसे भाई साहब, क्या मतलब? तेरी दुकान बंद। अब सर आपका शो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब तो जो भी यहाँ आएगा वो तो इसको होस्ट करने की कोशिश करेगा ही, आपकी पोजीशन काफी डेंजर में है। हाउ आर यू सोनू? आई एम फाइन कपिल। You love me so much, na? Too much. Three much. Ow! Sambhal. Dekho. It's okay. Jhelna padta hai. Har achhi cheez ke saath na kuch aisa zarur hota hai. Anyways, ab agar unhone show open kari diya to ek bar zordar taaliyan. Sonakshi Sinha. पता तो होगा ही क्यों आए हैं। फिल्म बना दी एक और आर राजकुमार। तो ये आर राजकुमार के आगे आर लगाने क्या जरूरत है? सबको भी पता है कि राजकुमार आर से शुरू होता है, सी से तो होता नहीं। और सुनाइए कैसे हैं? बस मतलब ठीक ही है, जब तक आप आए नहीं थे सब अच्छा चल रहा था। शाहिद शूटिंग में बिजी रहते हो, दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं लगता मतलब? पिछली बार आया थोड़ी कम थी, इस बार और थोड़ी ज्यादा है। मैं एक्चुअली पाजी से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हूं। अच्छा। तो मैं उनके स्टाइल को थोड़ा कॉपी कर रहा हूं। और सुनाओ सोनाक्षी, क्या पैर पे क्या बांधा हुआ है? ये आधी जुराब क्यों पहनी हुई है? बांधी तो पट्टी है। और ओ गॉड, आपको चोट लग गई? जी चोट लग गई। डोंट वरी, मेरे भाई समान है। नहीं नहीं, तुम लोग तुम इसको ऑक्यूपाइड रहो, मैं होस्ट शो होस्ट करता हूं। ये चोट कैसे लगी सोनाक्षी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? यस सोनू भैया संभालेगा। मैंने बोला डोंट वरी, टेंशन ना लो, कपिल भाई समान है मेरा, तुम जा बैठे ठीक है। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भैया। दिल टोटे टोटे हो गया। फिर कर लीजिए, मैं जाता हूँ। हद होती बारी जो आता भैया कहता, मेरे मुंह पे क्या लिखा हुआ है? चलिए खैर। अच्छा मैंने तो सुना था पूरे काफी लोग आने वाले हैं, तो आप तो दोनों नजर आ रहे हैं मुझे। आप तो पहले ही सोनाक्षी को सोनू सोनू बोल रहे हैं, फिर आगे हम कैसे इनवाइट करेंगे लोगों को? अच्छा हाँ। और कौन आ रहा है मतलब? प्रभु देवा सर और सोनू सूद।
हाँ जी और सुनाइए। हमने अपने हिसाब से सोफे रखे, हमें क्या पता पूरी की पूरी टीम आ जाएगी। कैसे है प्रभु सर? अच्छा अच्छा। मेरे प्रभु सर इतने फेवरेट हैं मेरे, मतलब मैं दिल करता है इनको परमानेंट रख लें शो पे, लेकिन इनकी फीस बड़ी है। सो प्रभु सर वी लव यू। मी टू। सोनू मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं। सोनू जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था तो ये विलन वाले किरदार क्यों कर रहे हो आप? मतलब क्या यार, इतने स्मार्ट आदमी हो आप, मतलब विलन कैसे बने आप? और आपने विलन बन के तंग भी किया सोनाक्षी को? नहीं, मैंने बहुत ज्यादा एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मैंने एक्चुअली बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की है। अच्छा। बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की है फिल्म में, काफी कुछ सीखा है, यू नो, डांस सीखने की कोशिश की है, इंग्लिश बोलने की कोशिश की है। सोनाक्षी से डांस सीखा? पोएट्री काफी मैंने मारी है, तो आई थिंक वो आप जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। बट डांस आपने सोनाक्षी से, इसी चक्कर में पैर तोड़वा बैठी। वैसे इस फिल्म के अंदर सोनू ने एक बहुत ऐसी चीज की जिसको देख के मुझे ऐसा बोलने का मन करता है, ओह हो। ये फिल्म के अंदर ये जब भी सोनाक्षी को देखते हैं इनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, ओह हो। ये मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद जो भी सोनाक्षी को देखेगा वही बोलेगा ओ हो। और एक और चीज सोनू बहुत अच्छी करते हैं इस फिल्म के अंदर, बहुत अच्छी करते हैं एक और चीज सोनू इस फिल्म के अंदर, वो चेस्ट वाला एक बार दिखाना। अरे क्या हुआ? ये तेरा जिप ही है यार। एक बार आ जाना भाई, आ जाना। अरे नहीं बस क्लीमेंस से इनसे पूछूंगा अभी, आ जाना भाई, आ जा। तो ये हां जी लड़कियों, मुझे भी अच्छा लगता है, करवा दे यार। पर बुरा ना मान जाए बंदा, आते मेरे कपड़े उतरवा दिए। चलिए निकालिए, पांच पांच रुपए। कपिल आप बन सकते हो यार, नहला रहे हो कपिल, नहला रहे मैं इनसे आके पूछता हूँ बियो जी, ये मांस की लकड़ी है, तो मैं इनसे पूछता हूँ बियो जी आप नहाओ ना, आप नहा रहा हूँ, नहलाओ उनको। अब इतना हार्ड आप इसमें ना कोल्ड ड्रिंक खोल सकते हो ना अभी मेरा इतना मतलब तो अच्छा तो, मैं नहला रहा हूँ इनको। आप नहला रहे हो? मैं नहला रहा हूँ। और मैं आगे पूछता हूँ, स्कूल जा रहा है ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तेरी फड़का के एक मैं बात कहनी चाहता हूं कि इन्होंने बैक टू बैक इतनी धड़ाधड़ फिल्में दी हैं प्रभु सर आपने, सो आपकी जितनी भी फिल्में हैं माशाल्लाह बड़ी सक्सेस हुई हैं, सो ये फिल्म जो है बाकी फिल्मों से कितनी अलग होगी? प्लीज आपका जवाब कम से कम तीन शब्दों में तो हो, मिनिमम थ्री वर्ड्स यू हैव टू यूज प्रभु सर। काफी अलग है, इट्स मोर एंटरटेनिंग। It's more entertaining. Three. तीन हो गए, शुक्र है। मतलब प्रभु सर आप इतना कम क्यों बोलते हैं? एक मैं बात पूछने जाता हूँ आपसे, ऐसा मतलब क्यों? आप इतने shy हैं, मैं समझता हूँ, पर मतलब no idea. क्यों? मैं बताऊँ? जी। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऊपर वाले की माया देखिए, जिनसे हमने सवाल पूछा उन्होंने तीन लफ्जों में खत्म कर दिया, उनसे हमने पूछा भी नहीं उन्होंने 15 लाइनें बोल दी। प्रभु सर एक बात माननी पड़ेगी, आपके डांस स्टेप इतनी मूव्स जो होती हैं इतनी फास्ट होती हैं, सामने वाला समझे इससे पहले इनका स्टेप खत्म हो चुका होता है। हाँ। और वही चीज ये आजकल फिल्मों में भी दिखा रहे हैं, हम पे पता भी नहीं चलता, हम अभी पैकअप भी नहीं किया होता, आप फिल्म बना के हिट करके घर से राम कुल्चे छोले खा के सो रहे होते। सर इतनी एनर्जी, मतलब आप तो दिल नहीं करता रेस्ट भी करें, आप इतनी हिट दे रहे हैं, हाजमा नहीं खराब होता? अरे ये बहुत स्वीट है इनका, मुझे पता है आंसर, मैं कुछ भी बोलूं
मेरा सवाल चाहे 100 लाइनों का हो, इनका जवाब जो है वो एक दो शब्दों का ही होता है। चलिए खैर, जैसे कि आप सब जानते हैं, सोनाक्षी जो है पहले भी शो में आ चुकी हैं, शाहिद भी आ चुके हैं, प्रभु सर भी आ चुके हैं, सोनू मेरा भाई आज पहली बार आया है। सोनू, आपने एक बड़े छोटे से शहर से आके मुंबई में आके फिल्मों में शुरुआत की, आपने एज ए हीरो आए, फिर आपने विलेन भी अलग अलग तरह के किरदार किए, मतलब ये तो खैर आपने सोचा होगा कि यार मैंने मतलब जाके स्ट्रगल करनी, मुंबई में अपना नाम बनाना, ऐसा कभी सोचा था कि कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? मैं उससे आता हूँ कि जब भी मैं पंजाब मोगा जब भी मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको यार कि देखो मैंने ये फिल्म की, मेरी यार राजकुमार आ रही है, हैप्पी न्यू। वो कहते सब ठीक है यार, पहले जब कॉमेडी नाइट्स में जाएगा ना तब बात कर रहा हूँ। सोनाक्षी तीसरी बार आई हैं, प्रभु सर दूसरी बार आए हैं, शाहिद भी दूसरी बार आए हैं। अच्छा, आप ऊपर वाले का कर्म देखिए, लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों में भी मतलब इतनी कशिश है कि मतलब मेरे में क्या है ऐसा? हम भी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए बार बार आया कि ढूंढे तो सही है क्या इसमें। चलिए खैर, आपकी जो फिल्म आने वाली है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम ये जानना चाहते हैं कि शायद आप उस फिल्म में किस तरीके का किरदार कर रहे हैं। फिल्म का नाम है आर राजकुमार, फिल्म रिलीज हो चुकी है 6 दिसंबर को। फिल्म में मैं एक काफ़ी मवाली टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और फिल्म के अंदर दो चीज़ें भर भर के हैं, प्यार 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 और मार मार मार। तो मतलब फिल्म में प्यार भी आपने किया है, मार भी आपने की है, तो सोनू क्या पकौड़े तल रहे फिल्म में? आपने सोनू को हमने रखा है उनकी फिजिकल अपील के लिए, जो अभी हम लोगों ने सबको दिखाया, जैसा लगा था आपको वो विजुअल? इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म के अंदर सोनू का रोल जो है वो आई थिंक सबसे तीन इंपॉर्टेंट रोल्स हम तीनों के हैं, और तीनों ही प्यार 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 और मार 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 तीनों, वो एक्चुअली सोनाक्षी भी। हाँ, ऐसे क्यों सोनू? बताती हूँ, दूसरा पैर भी तोड़वा लूं, लड़ाई झगड़े मत किया करो, ग्लैमर लड़ता हुआ अच्छा लगता है, बाल बाल करके जिशू। अरे दोस्त, अरे तुम देखो तो सही, जो स्नो मोशन में बाल उड़े हैं बोतलें फोड़ते हुए सर पे, जितना जितना मर्जी रोक लो हटेगी नहीं, आपकी बेटी की है, खनकी है चाटे मारते हुए, खन खन खन। आज कोई परिवार का मेंबर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही जगह नहीं बैठने की, कहाँ बैठेंगे आप? पहले ही यहाँ बैठ जाता हूँ। क्या लेंगी आप? मेरे गोद में नहीं आकर बैठ गए, थैंक गॉड। ओह माय गॉड, इतने सारे पब्लिक, तूने बताया नहीं तू इलेक्शन में लड़ रहा है? बुड्ढन चश्मा लगा के देख, हमारे गेस्ट हैं ये। अच्छा एक मिनट पकड़ना। शाहिद, सोनाक्षी, आप लोग आ गए, आप लोग वक्त के इतने पाबंद है, एक्सक्यूज मी, हाथ है ना दादी, हर कुछ तेरी तरह नहीं है, तेरा भी टाइम हो गया, जा भगवान से मिलके आ जा। मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? Why should I go to the Bhagwans? When भगवान himself has petrified here. प्रभु, स्वयं प्रभु आए हमारे द्वार। Hi प्रभु। दादी। Please come here. दादी। दादी, सोनू बुला रही है तुम्हें। प्रभु and देवा। दो दो, buy one get one free. Oh my God. हे प्रभु, इतने शर्माते हो आप, इतना तो मैं अपनी जवानी में नहीं शर्माती थी। एक मिनट, मैंने टच क्या किया? एक मिनट जरा देखो, शर्माओ मत, एक मिनट, जस्ट कीप योर हैंड हियर, हैंड हियर, सर यू नीड हेल्प, जस्ट लेट मी सी, एक मिनट, और ये सोनाक्षी, लेट मी सी। अरे आपको बॉडी टच ही करनी है तो आप सोनू की बॉडी टच करो। अरे शाहिद, तुम समझ नहीं रहे हो, देखो एक बार टच कर, इतनी सी कमर है इनकी, इतनी सी। सच में सिद्धू पाजी, प्रभु की कमर से बड़े तो मेरे डोले हैं। सच में चेक करो, चेक चेक करो, फील करने ही नहीं देते। करो करो, यहीं से
सच कह रही हूँ, मैं तो पागल हो ही जा रही हूँ कि आज मुझे प्रभु के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। करो करो अपनी तरफ से। दादी तेरे को पता उनकी स्पीड कितनी है? तेरा एक स्टेप खत्म नहीं होना, इन्होंने खत्म खत्म करके घर जाके सो भी जाना है। नहीं कर सकती उनको मैच। अरे क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता नहीं है शायद, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम सबको इंप्रेस करने के लिए ना मैंने बता दूं, तू जाके महेश भट्ट साहब के साथ डांस कर। तू क्या तेरे जोन में नहीं आते दादी? मैं महेश भट्ट साहब के साथ क्यों डांस करूं? आप प्लीज तंग ना करें दादी उनको। माय गॉड, बिच्छू तूने बताया नहीं शहर में नया माल आया है? मेरा मतलब है हमारे घर में नया मेहमान आया है। सोनू दादी, सोनू दादी, उठ जा, उठ जा दादी, टोपी दे दे तू। थैंक यू दादी। दादी आज पता लगा तुझे? इससे पहले कि मैं लूं इसने इतना बाका नौजवान। निहाल कर दिया। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज हमारा तुम लोगों के साथ कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी करके आई है। तो थोड़ा सा वार्म अप कर ले प्रभु। लेट्स डू वार्म अप। कम, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नॉटी। सोनाक्षी, शाहिद, सोनू भाई, प्रभु सर, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ उनके मन में फिल्म को लेकर भी सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके अपने चहेते कलाकारों से अपने मन की बात कर सकते हैं। जी, मेरा नाम चंदन है, मैं खुर्दा से आया हूँ। चंदन जी, हाँ जी, चंदन जी, ये जो आपने ये करवाया है, हाँ जी, ये आपने स्केल रख के ऐसे बड़ी कट टू कट की शेव इन्होंने, है ना, बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल के उसमें से ये टेलर से कटवाई दाढ़ी आपने टेलर से। जी चंदन जी, क्या सवाल है आपका? प्रभु देवा से एक सवाल है, बड़े बड़े कलाकारों ने आपने उनको नचाया है, कभी आपने आम आदमी को नचाया है? आप हैव यू एवर मेड अ नॉर्मल पर्सन डांस? यू विल बी ऑलवेज मेड स्टार्स डांस। या आई विल, इफ यू वांट। यू वांट? हां, थैंक यू। I have done this before, but still I will do again. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की प्रभु सर? Yeah. आपने दाढ़ी यहाँ पे रखी हुई ना, इन्होंने पीछे रखी हुई, दिखाइए सर। अच्छा, okay, okay. So now, let I will teach the moment, then we will go like that. Okay, okay. अच्छा, you know to put the bulb, put it. अच्छा. Bulb घुमाना है, संतरे नहीं तोड़ने हैं। स्टेप तो हमेशा मेरी बीवी जब वही करती जब मैं घर जाता हूँ। आ गए आप। ये इसी स्टेप की वजह तो सर से बाल उड़ गए सारे। चंदन जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और कोई हमारे दोस्त? हेलो, हाय कपिल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओ लग ही रहा है। मेरा क्वेश्चन सोनाक्षी जी से है। जी। मीरु एपुर निंची प्रभुदेवा गारु तो पंचेस तो नारु मीरे वना तेलुगु नेर्च को नारा। ए पश्तो बोलो। Translation please. प्रभु सर जवाब देंगे। From how many years you are working with me, प्रभुदेवा? And did you learn any Telugu, any word? Kunjam. Awesome. No, it's in Telugu. What you are talking is Tamil. Tamil, oh, sorry. Well, around us on a film set, Prabhu sir is usually speaking in Tamil. And okay. little we've realized, understand from gestures what he's trying to say. And ye kya baatein ho rahi, hame koi samjhayega? Aapas mein lage hue hain. Hamara bhi haal set pe kuch aise hi hota hai. But aajkal jab hame galiyan padti hai to pata lag jata hai. प्रभु सर को गुस्सा आ गया, चलो ठीक से करो। वैसे सोनाक्षी पता कैसे चलता है ऐसे? ऐसे कुछ हो जाता है। और अगर नॉर्मली ये होता है तो तुहाडा सवाल की सीगा भैन जी, तुहाडा सवाल की सीगा, तुसी सानू अपनी भाषा पुछी, अभी पुछांगे तुहानू तुसी। और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय सोनाक्षी, आई एम एकता फ्रॉम मुंबई, और मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आप सिंगल हो इतनी अच्छी, और आपकी सारी कंटेम्प्रेरी हीरोइंस वो सब डेट कर रही है सबको, तो फिर आप क्यों सिंगल हो? यानी कि मतलब सब जाके कुएं में कूदे तो मैं भी कूदूं? कुएं में कूदे नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आपके बगल में बैठे हैं सिंगल डैशिंग हैंडसम अच्छे से शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर। ओ वो भी आपके पास, आप बहुत पहले उनसे तो पूछ लो, वो हाँ ही बोलेंगे। क्यों? अरे मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप हाँ बोलें। ना बोलने के रीजंस क्या होंगे? हाँ वो भी तो है। बट शायद आपका सवाल क्या है मुझे समझ नहीं। वो सिंगल क्यों है? नहीं, सवाल नहीं, इनके मन में बता देता हूँ क्या है। ये आपको उनके साथ बिजी करके बाद में सोनू पे लाइन मारना, आप क्या चाहती हैं? मुझे एक्चुअली प्यार है। ओ किससे? सोनाक्षी, मैंने कहा था नाम नहीं लेना यहाँ पे। इसका नाम नहीं लेना, मेरा मुझे प्यार है अपने काम से। अच्छा ये सर, अच्छा सवाल है कि दूसरी हिरण का किसी के साथ अफेयर सुना तो ये बदले में दरवाजा खटखटा के पूछे, फंसेंगे आप मेरे साथ? क्या? क्यों? वो तो फंसी हुई है। आपकी शादी हो गई वैसे? नहीं, ध्यान से देखिए इस महिला को। ये शातिर महिला खुद महिला होकर दूसरी महिला को फंसा रही है। शुक्रिया एकता शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल। और कोई हमारे दोस्त? हेलो एवरीवन, पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं आप पांचों का फैन हूँ, और सोनाक्षी के तो पैरों में चोट लगी है, तो मैं शाहिद को सोनाक्षी बना के मत मारी सॉन्ग पे डांस करना चाहता हूँ। तो शाहिद सोनाक्षी बन के मेरे साथ डांस करोगे? सॉरी, शाहिद सोनाक्षी बने? हाँ, दाढ़ी वाली सोनाक्षी और मैं शाहिद। ये शुरू होने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर सोनाक्षी मुझे 10-12 बार थप्पड़ दे चुकी हैं, अब तुम आ सकते हो। आज हो क्या रहा है पाजी? देखिए किसी ने दाढ़ी पीछे रखी, किसी ने मूछ यहाँ रखी है, हो क्या रहा है? तो आप सोनाक्षी और मैं शाहिद। हाँ अच्छा। ओह नो, खा जा थप्पड़। हाँ ये सुनो, जो करने का हाथ पे क्या बांधा हुआ आपने? लगेज में आए थे? अच्छा अच्छा, ऑडियंस को देते हैं आप। लगेज में उधर देखो, आते हैं ना।
शाहिद कपूर और कमजोर कपूर के लिए जोरदार तालियां। कमजोर कपूर। अच्छा शुक्र है कि शूटिंग के बाद सोनाक्षी ये आपको चोट लगी, वैसे तो लगनी नहीं चाहिए थी, पर अगर शूटिंग के दरमियान लगती वो भी डांस सीक्वेंस, तो डांस कैसे होता है इनका? गंदी 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 बात। मुझे ऐसे देख के लग रहा है आपके पैर पे ये पट्टी ज्यादा जचेगी, तो should I help you? Please. हाँ? मत करो ऐसे। सोनू भाई, सोनू भाई, सोनाक्षी में कुछ चेंज आया एटीट्यूड वाइज के? अब तो मैं स्टार बन गई हूँ, ऐसा कुछ आया? आप शुरू से देखो। हाँ, कपिल के शो पे 3 बार आ चुकी हूँ अब तो, मतलब। वैसे पहले भी बहुत हम्बल थी, अभी और ज्यादा हम्बल है। पहले भी कपिल को उतना ही चाहती थी, अभी और ज्यादा चाहती हूँ। मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि सोनाक्षी हर दिल अजीज क्यों है, वो बड़ी प्यारी है और हमारे शो की भी उतनी फैन है जितने हम सोनाक्षी के फैन हैं। लेकिन फिलहाल सोनाक्षी को बीच शो में से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज कल ये फिर किसी प्रमोशनल टूर के लिए जा रही हैं, सो आज इनका ये ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। सो सोनाक्षी, भगवान आपको जल्दी जल्दी ठीक करे, और आपकी फिल्म तो हिट है, इतने सारे स्टार और प्रभु सर की डायरेक्शन, एक बार जोरदार तालियां इनकी फिल्म के लिए। ऑलरेडी फिल्म जो है वो धड़ल्ले से चल रही है और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई हफ्ते ये फिल्म चलती रहे, और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनाक्षी। मिस मी ऑलवेज कपिल, ऑलवेज। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम विदा करेंगे हमारी सोनाक्षी को। थैंक यू सो मच सोनाक्षी, थैंक यू, वी रियली लव यू सोनाक्षी, थैंक यू। मैं तो झक कर दी तेरे को, और अगली बार आना तो प्लीज ऐसे नहीं आना। ओके, डन। पक्का? डन। अच्छा चोट भी लगी तो मैचिंग पट्टी पहन के आई, देखो हद है यार। अरे इंटेंशनली पट्टी से मैंने अपना टॉप मैच किया, सच्ची। गेट वेल सून, ठोको ताली सोनाक्षी के लिए। अच्छा वो आ रहा है फूल देने आपको। उसका फूल बड़े प्यार से लिया, मेरे को फंगस लगी है। चलो कोई बात नहीं, माता रानी पाप लगाएगी तुम्हें। चलो ठीक है, थैंक यू सोनाक्षी, एंड गेट वेल सून। आओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। ए बिट्टू, तूने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी बारात आई हुई है। हाय शाहिद कपूर, इधर आइए आप जरा। पता क्या, मैंने ना आपको मौसम फिल्म में देखा था, वहां ना आप एयरफोर्स के पायलट बने हुए थे, तभी मैंने सोच लिया कि मैं ना एयर होस्टेस बनूंगी, क्योंकि मैंने तो फॉर्म भी भर दिया था, पर क्या करूं रिजेक्ट हो गया, वो कहने लगे आपकी उम्र थोड़ी छोटी है। झूठ बोल रही, टाइटैनिक से पहले की है ये। तो बताओ भाई। हमारी फिल्म के अंदर कद्दूओं का डिपार्टमेंट। अच्छा, कद्दूओं का डिपार्टमेंट जो है हाँ। वो सोनू सूद हैंडल करते हैं, तो आपको सोनू सूद से बात करनी चाहिए। देखो जी, किसी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो किसी और को दे देता है। कोई बात नहीं, सोनू सूद को ही देख लेते हैं। I will try something else. Are you ready, Sonu Sood? Hello, Mister. How do you do? Very well, thank to you. सुनिए। पता क्या? आज आपका lucky day है। ऐसा कहते हैं किसी romantic गाने पे हम थोड़ा सा dance कर लेते हैं। डोंट मिस अंडरस्टैंड मी, वो क्या आपकी हाइट अमिताभ बच्चन से मिलती है ना, इसलिए मैं आपके साथ इतनी बात कर रही हूँ, वरना मेरी तो उम्र शाहिद कपूर से भी 3 साल कम है। रेडी? यस। वैसे मैं बताऊँ, मैं रेडी हूँ,
पर एक बंदा और एवर रेडी है। कौन कौन? मेरे पीछे एक है बंदा बैठा, जरा ध्यान से देखो बुआ जी। लवी नवी। I will try something else. प्रभु देवा जी, क्या मैं आपको पसंद दूं? क्या पसंद है? जरा मेरी थोड़ी सी तारीफ कीजिए ना, प्लीज। हाँ, you are looking beautiful, colorful, colorful. इतनी कम तारीफ? आप वैसे ही काम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके जो डांस करते हैं उसमें आपका स्टैमिना कम हो गया बात करने। प्लीज टेल मी, टेल मी प्लीज। बुआ, जिनको तू ऐसे ऐसे कह रही ना, इसको सब लोग डांस कहते हैं, समझ में आया तुझे? ओह माय गॉड, ये कसम, मैंने तो डांस की प्रैक्टिस ही नहीं की। सुनिए, आप तीनों ना मुझे एक एक स्टेप करना सिखाइए, फिर मैं ना अच्छी डांसर बन जाऊंगी। आ जाओ बुआ, मैं स्टेप सिखाता हूँ, मेरा फेवरेट स्टेप है, लेट जाओ। क्या करूँ? लेट जाओ बुआ। लेट जाऊं? हाँ। ओके, लेट अस डू इट। चलो, अब उठने में दो दिन लगेंगे तुझे। एयर होस्टेस बनेगी। okay. जहाज टेक ऑफ करता ना ऐसे करके, जहाज यूं करके, ये होती ना एयर होस्टेस, जहाज निकला ड्रैं। बिट्टू। कपिल भी करेगा ये स्टेप। नहीं, मैंने नहीं करना। नहीं, कपिल भी करेगा। और सोनू भी सुसाइड है। बहुत मजा आ रहा है आज। साउंड के साथ करेंगे, साउंड के साथ। लेट्स प्ले। बुआ, एक स्टेप मैं भी आपको सिखाता हूँ। प्लीज डू इट। ऐसे करो। कैसे? ऐसे। अब इधर मुंह करो, इधर इधर मुंह करो। किधर? इधर इधर। ओके। अभी ऐसे भाग जाओ। भाग जाओ? हाँ। वन टू थ्री। चना जो रे गरम बाबू ले रे बंजी सर्दी भगाने का सामान, गरम गरम चना खाओ, रजाई में घुस के धोती ऐसे खुजा खुजा के। ओ भाई साहब, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? का मतलब? अरे घुसे कहाँ चले आ रहे हैं आप? मतलब हमें नहीं पहचाना? अरविंद केजरीवाल हो, तुम्हें पहचाने? अरे अच्छा, इस वजह से नहीं पहचाना। हाँ, मैं मोदी। अजीब बात कर रहे हैं। अरे ये सड़क के किनारे में रोज धंधा करता हूँ, चना बेचता हूँ। भौकाल यादव बात कर रहे हो? अच्छा, भौकाल यादव। हाँ, हम नहीं जानते, चलो निकलो यहाँ से। तुमसे हम बाद में बात करेंगे, पहले मेहमान लोगों से बात करेंगे। और शाह जी, क्या फिर कोई फिल्म बना दिए कहा? भाई साहब देखिए, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। अरे डिस्टर्ब को बात नहीं कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं बाबूजी। चना बोनी करा लेना, छुट्टा पैसा हो तो। आप जो है साउथ में सुपरहिट रहे, फिर आप आगे बढ़े,
बम्बई में आए, मेहनत किए और यहाँ पे जो है हिंदी फिल्म बनाए। ये छुट्टा पैसा है नहीं। तो आप जो है ऐसे और मेहनत करिए, हार्ड वर्किंग अंग्रेजी, तो आप भोजपुरी फिल्म भी बना सकते हैं। भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म बनाइए। हीरोइन है ये आपके पास? हीरोइन जो अभी चली गई हैं, सोनाक्षी, सोनाक्षी हीरोइन ले लो भाई, वो बिहार की हैं। और हीरो मतलब हीरो, हीरो चाहे जिसको ले लो, हीरो जो, जो, अच्छा, आप अपने आप को हीरो बोल रहे हैं? चने बेच बेच के अपना खुद का मुंह चने जैसा होगा, आप हीरो हैं? कहां से लगते हैं आप हीरो? हीरो होते वो देखो बैठे दो हीरो। फालतू बात नहीं करना, हमारा मुंह चने की तरह नहीं, हमारा मुंह समोसा की तरह है। ये होते हैं हीरो, ये हीरो डैशिंग हैंडसम, इनके बारे में पता है, हम इनके घर पे हम कपड़ा धो चुका हूं। हम और सोनू दोनों गुरु भाई हैं। कैसे? हम दोनों के गुरु एक हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये भी अमिताभ बच्चन के फैन है, हम भी अमिताभ बच्चन के फैन है। तो का आप यहीं पे फैसला कर लो, हम लोग को डायलॉग दो और वही डायलॉग ये बोले और वही डायलॉग हम बोले, जो बढ़िया बोले वही भोजपुरी फिल्म का हीरो। ठीक है, सोनू भाई दिखा दो जरा इनको। ये पकड़ो, डायलॉग बोलने की बात नहीं, जचना भी चाहिए। हाँ। पहन लो, चने पकड़ के तो क्या पहन लो, शर्माओ नहीं। देखो भैया, शायद भैया तो फैसला करना। ये तो और लंबे हो गए। दीवार का डायलॉग है बाबू जी, आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। मेरे पास भी गाड़ी है, ये कैसी पंचर गाड़ी? मेरे पास भी बंगला है, मेरे पास भी बैंक बैलेंस है, और मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, ये कैसी है? तो माँ कहाँ है? माँ माँ भाई किधर? माँ माँ ने दूसरी शादी कर ली है, अभी उसके पास भी गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। अरे ये खाए जा रहे हो का फोकट का आता है का? आप हमारे शो में घुसा, इंटरव्यू चल रहा है? अरे सड़क के किनारे पंचायत करोगे तो कोई घुसाएगा। और शाहिद भैया सब बढ़िया है? छुट्टा पैसे दे दो तो खाए है ना, पैसे दे। पूरा ही दे दो हमको, पूरा दे दे, पूरा हम आपको दिए दे रहे हैं। हाँ। जितने लोग बैठे सबको बांटो, सर्दी आजकल बहुत है। अभी भोपाल यादव जी, अभी हाँ। आप जाइए, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज। तुमको बहुत देख रही है, जाइए जाइए, यहाँ इधर आओ, यहाँ आप जाते हैं कि मैं सोनू से बोलूं? इधर आओ, यहाँ सब लोगों ने कहीं बुला बुला के बेइज्जती करते हो। देखो अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अभी आप चने ले लीजिए। अच्छा अच्छा, शाहिद भैया निकाल दो भैया, हम जा रहे हैं। ओह भाई सॉरी, ये सड़क वड़क बनने के चक्कर में कोई भी घुसा था मुंह उठा के। तो बदतमीज ऐसे चने बेचने वाला, कोई बात नहीं, तो गुस्सा नहीं करना, अभी आई प्रॉमिस कोई नहीं आएगा नाउ, अभी आराम से बातचीत होगी। कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं मुझे, अरे हाँ सॉरी, आप ही के इंतजार कर रहे थे। हाय नमस्ते। Hi. नमस्ते। Hi. इतनी लेट आए आप, मैं कब से इंतजार कर रहे थे आपका। सच? हाँ, मुझे रात को सपना आया था, भगवान जी कह रहे दो लड़कियों को मारना है आज सुबह। अब रुकिए मैं छुरा गरम करके लाता हूँ। मिस्टर शर्मा, आप जरा ठीक ठाक सी कॉमेडी कर लेते ना, इसलिए मैं आपको सहन कर रही हूँ, आपको झेल भी लेती हूँ। और ना आपका नौकर है ना, उसको मैं मुंह तक नहीं लगाती नॉर्मली। पलक देखना आर राजकुमार। वेरी गुड, ये तूने अच्छी बात की है, जो फिल्म का प्रमोशन करना है उसका नाम लिया तूने, वेरी नाइस। नहीं नहीं, मैं तो अपने सपनों के राजकुमार की बात कर रही हूँ। शाहिद वहां बैठे हैं। कौन? शाहिद कपूर। आपको पता नहीं है लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी फैन है।
और तू भी ऐसे टुकुर टुकुर क्या दिख रही है? तेरे सपनों का राजकुमार तेरे सामने बैठा है, तो बोल देना तेरे दिल की बात, जो भी बोलना है अभी बता देना, बोल दे बोल दे। तू भी चल ना पलक। चल मतलब इतना कोई दूर नहीं है, यही तो है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने आपके लिए एक पोएम लिखी है, सुनाना चाहती हूँ। जी आपको कौन रोक सकता है जी? ये क्या टिश्यू पेपर पे लिख के लाई है पोएम? इंसान को ख्याल आने का टाइम कब मिलता है बताओ? बस उसके बाद मुझे सामने दिख गया और मैंने लिख दिया। अर्ज करती हूँ, दुनिया का यही है दस्तूर, लवर्स रहते हैं दूर दूर। दुनिया का यही है दस्तूर, लवर्स रहते हैं दूर दूर। मौका मिला है फायदा उठा ले, बना ले मुझे अपनी हूर। टेक मी ऑन अ वर्ल्ड टूर, आईफिल टावर पे जाके कहूंगी आई लव शाहिद कपूर, आई लव शाहिद कपूर, आई लव शाहिद कपूर। उल्टी आ रही तो वॉश बेसिन में जाना उधर जाके, ये क्या कर रही है? एक मिनट एक मिनट, तेरे तो सिर्फ राजकुमार यहां पर है लेकिन मेरे तो प्रभु, मेरे प्रभु। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपको बता देती हूं, मैं आज आपको सामने अपने पहली बार देख रही हूं, इसके लिए मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई हूं, लेकिन मैंने भी आपके लिए एक शेर लिखा, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूं। कड़काओ कड़काओ। वाओ अर्ज किया है। वाओ वाओ। अर्ज नहीं कर तो टॉयलेट कर जाके। मेरा दिल मेरे हुस्न की तरह है पवित्र, नहीं है बिल्कुल भी मैला। I'm so sorry. आपके पास पिस्टल होएगी? No, I liked it. छह गोलियां एक ही जगह पे मारनी क्योंकि एक तो घुसती नहीं अंदर। How rude. How rude. Cheap and mean. ए पलक, चल ले अपनी सहेली को, निकलो यहाँ से तुम लोग। क्यों? हम क्यों जाएंगे? यहाँ पर इतने बड़े बड़े डांसर आए हुए हैं तो हम भी तो अपना डांस दिखा के जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। हम में भी टैलेंट है। ओके और बुला लो ना अपने घर के बाकी लोगों को भी। तो पेश है आपके सामने चर्बी से भरपूर टैलेंट। मर जाओ, आ जाओ एक बार, मैं नाची क्यों लेते सारे लोग। प्रभु सर, शाहिद, सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी अपने अपने घरों में इसी तरह हंसी के फवारे बांटते रहिए और उनमें नहाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स। ये फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.